हेलो दोस्तों, मैं सूरज राज आज आपकी नई वीडियो के साथ दोस्तों आए और आज आपको बताएंगे कूलाम के नियम को बिल्कुल शॉर्ट चुटकियों में याद करने की विधि, कूलाम के नियम की, ठीक है ना। यदि आप हाई स्कूल में हैं तो भी आपको ये मिलता है, यदि आप 12th में हैं तो भी मिलेगा, और आप BSc में कर रहे हैं ना तो भी आपको फिजिक्स में मिलने वाला है। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम क्वेश्चन को बता रहे हैं कूलाम के नियम को आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करेंगे, ठीक है ना। तो वैसे तो ये इंटर में ही है, लेकिन इंटर में भी देखने को मिलेगा, हाई स्कूल में भी देखने को मिलेगा, और आप जब पहुँचेंगे BSc में तो भी आपको ये फिजिक्स में देखने को मिलेगा। तो इसे हम आज क्यों नहीं इसे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। यदि आप इंटर में हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और आप हाई स्कूल में तो भी, यदि आप BSc में तो और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी पुश मत कीजिए, और हम जो बता रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनिए। यदि आपको नोट्स चाहिए 12th वाले, याद रखना, यदि फिजिक्स का नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। 12th वाले डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री को भी दिक्कत आ रही है कहीं भी तो मुझे बता देना। और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है ना, या 2020 के लिए आप वो याद कर लीजिए सारे के सारे, और 90% प्लस लाइए, फटाफट 90% लाइए, और BSc वाले 85% ला सकते हैं। यदि वो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, आप फटाफट देख लीजिए, पूरे प्ले लिस्ट का लिंक है, और साथ में आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। BSc वाले तो यहाँ भी, और केमिस्ट्री और इंटर वाले भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बात करने की, इस नियम के अनुसार क्या होता है, जो कूलाम का नियम है, तो हेडिंग डालेंगे इस नियम के अनुसार, ठीक है ना। दो आवेशों के बीच, देखिए दो आवेश का मतलब Q1 और Q2, यहाँ देखिए एक आवेश है, एक आवेश है, Q1 और Q2 दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, यहाँ देखिए फर्स एफ लग रहा है फोर्स, ठीक है ना, आवेशों की, ठीक है ना, लगने वाला बल उन आवेशों के अनुक्रपाती होता है, उनके कैसा होता है, अनुक्रपाती होता है, और तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत अनुपाती, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसके वर्ग होता है, मतलब हाफ यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये होगी, फिर उसके यहाँ से यहाँ तक दूरी R तो कितनी होगी, R² हो जाएगी। तो यहाँ देखिए सिंपली समझने की कोशिश करा जाए तो बस आपको कूलाम के नियम को सिर्फ इतना याद कर लेना, मतलब कि एफ प्रोपोर्शनल Q1 और Q2, ठीक है ना, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2। अब क्या होता है, जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के बीच के क्या होता है, अनुक्रपाती होता है, अनुक्रपाती मतलब होता है सिंपली, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है बटे। तो बटे क्या है, अब कह रहा है कि उनके बीच की दूरी के तथा और उनके बीच की दूरी के, मतलब आवेशों के जो बीच की दूरी है उनके वर्ग के, मतलब जो आर है, यहाँ जो आर रखा है तो आर और आर कितने वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आर व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/R², तो सिंपली एफ प्रोपोर्शनल 1/R². अब देखिए यहाँ हम सिंपली समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ चुके हैं, मतलब दो परिभाषा हमने बताई है। देखिए प्रोपोर्शनल मतलब क्या, एफ प्रोपोर्शनल Q1 और Q2 मतलब दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल के क्या होता है, अनुक्रपाती होता है, और उनके बीच के दूरी मतलब R² के होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों समीकरण करेंगे। अब चलो ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है ना। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 और Q2 R², ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा, हो जाएगा। चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए क्या है, यहाँ जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो के लगा देंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या, तो और के का मान क्या होता है, देखिए जब प्रोपोर्शनल हटाओ तो दोस्तों बताए क्या होता है, यहाँ देखो अब जब प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो यहाँ के का नेतांक आ जाता है, तो एफ बराबर, देखिए प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल के जगह पे बराबर आ जाएगा और के आ जाएगा, ठीक है ना, और फिर उसके बाद में Q1 और Q2 R², बस इतना लिख देना है। मतलब कि ये हमने एक हेडिंग नहीं डाली है तो आपको सोल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो जब के हटता है तो के बराबर यहाँ दे रखा है कि के बराबर 1/4π और μ₀ होता है, ठीक है ना, 4π μ₀ होता है, याद रखना इस बात को। अब ये क्या 4π μ₀ होता है के बराबर, तो नेतांक वो लगा देते हैं बस, के की जगह पे हमें यहाँ जो हमने के लगाया था, अब जो के हटाएंगे तो ऊपर हमने अभी बताया था के μ₁ और क्यू मतलब के बरा के Q1 और Q2 R², ये बताया था हमने, तो यहाँ जो Q है वो हटा देंगे और Q की जगह पे यही लगा देंगे, जो Q का मान हमने दिया 1/4π μ₀, ठीक है ना, 4π है, ठीक है ना, ये पाई है, तो 22 और 4π μ₀ और Q1 Q2 वो सेम टू सेम रहेगा, है ना, तो सेम टू सेम रहेगा। अब क्या हुआ, बस यही याद कर लेना है, इतना याद करने के बाद हम देखिए एक बात बता दूं मैं, 4π 1/4π μ₀ का मान होता है 9×10⁻¹, ठीक है ना, और N m² और सेंट और यहाँ क्लोरेस्कार, ठीक है ना, Cl², तो ये बस एक एक समान जानकारी थी, और जो आपको एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंस है और आपके एग्जाम में 100% बनने वाला है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप गवाइए मत कभी भी, और अच्छी तरीके से पूरी वीडियो देखा करें। आपको मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा कूलाम का नियम, और कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, इसकी वीडियो में आपको सोल्यूशन द्वारा बहुत अच्छी तरीके से बनाया है, आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को। थैंक यू।